नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आइए, आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे ये मैंने बेसन लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। यहाँ पे मैंने ये 1 कप बेसन लिया है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप बेसन को पहले छान लीजिएगा। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने देखिए गैस को ऑन कर दिया है और मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बेसन को भूनना है। तो बेसन को हम भूनेंगे, हमने 1 कप बेसन लिया है, तो मैं यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लूँगी। तो मैं यहाँ पे घी पे बना रही हूँ, आप तेल घी दोनों से एक यूज़ कर सकते हैं या दोनों को आधा आधा करके यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे घी बराबर का डलता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अब आप घर में बना रहे हैं तो घी अपना हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो गई है, अब मैं डालूंगी इसमें घी। तो घी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये लीजिए, पहले मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। तो ये 1/2 कप घी मैंने डाल दिया इसके अंदर। अगर हमें कम वो लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे घी। देखिए घी अच्छी तरीके से पिघल गया है, मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, गैस की फ्लेम कम ही रखेंगे और इसे भूनेंगे। तो इस तरीके से हम ये बेसन को डाल देते हैं और इसकी जो स्मेल होती है, कच्चापन जो होता है बेसन का, वो हम निकाल देंगे। तो इसलिए गैस की फ्लेम को कम करके ही इसको भूनना है। तो ये लीजिए, मैंने इसे बेसन सभी डाल दिया है। अब हम इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम को कम रखेंगे और इसे भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो ये लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से घी के अंदर इसको बेसन को मिक्स कर दिया है। अभी हम इसी तरीके से भूनेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें घी और ऐड कर देंगे। चलिए 4 से 5 मिनट हो जाएगी इसे भूनते हुए, तो मैं इसे पहले अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा बेसन भुन करके थोड़ा सा तैयार हुआ है, लेकिन अभी अच्छे तरीके से नहीं भुना है। जब तक इसका पूरा खुशबू ना जाए तब तक हमें इसे भुनना है। गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे तभी इसे भुनना है, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं भुनना है। उससे क्या होगा, अगर हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे उससे ये होगा, इसमें कलर तो आ जाएगा लेकिन इसका कच्चापन जो होता है वो नहीं जाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में। तो चलिए बस इसी तरीके से हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी और डाल देती हूँ। बीच बीच में हमें अगर कम लगेगा तो हम इसमें घी को और ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट के बाद में कुछ इस तरीके से हमारा बेसन भून करके तैयार हो गया है। जो हमने घी डाला था उससे देखिए कितना ये पतला सा इस तरीके से दिखने लगा है। लेकिन हम इसे 1 मिनट के लिए और भूनेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो देखिए इसका कलर पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है। तो एकदम परफेक्ट दानेदार बनेंगे ये लड्डू जब आप इस तरीके से भूनेंगे गैस की फ्लेम कम करके। और देखिए कितना पतला हो गया है ये देखिए, जितना हमने घी डाला था वो सब इस तरीके से भून करके और इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 मिनट और भून लिया है और पूरे किचन में मेरे अरोमा हो रहा है, अरोमा फैल रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके भुने हुए की। और देखिए इसका कलर पहले से कितना चेंज हो गया है। आप चाहे तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं या केसर हो आप वो भी लगा सकते हैं। और आपको अगर कोई फ्लेवर देना है तो इसमें हरी इलायची या रोज़ वाटर वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं फ्लेवर के लिए, वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसे दानेदार एकदम बढ़िया परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जब इस तरीके से बन जाएगा तो आप लीजिएगा पानी
पानी से सिर्फ 2 चम्मच पानी इसमें इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा और बस इसे इस तरीके से मिक्स करके चला दीजिएगा। देखिए एकदम खिले खिले एकदम दानेदार हमारा बेसन बन करके तैयार हो जाएगा, एकदम फ्लफी। ये देखिए जब आप चलाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हाँ ये बेसन वही था जो हम भून रहे थे। ये देखिए एकदम फ्लफी दानेदार हमारा ये बेसन हो गया है तैयार। और इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लीजिएगा। ये लीजिए एकदम दानेदार बन करके तैयार हो गया है और ये अच्छे तरीके से भुन गया है। अब चलिए गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद और इसको करेंगे हम ठंडा। चलिए मैं गैस की फ्लेम तो कर दी है मैंने बंद और इसको अब हम कर देते हैं ठंडा। तो ये लीजिए थोड़ी देर आपको इसी तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लेना है और इसे अलग बर्तन में निकाल लेना है। देखिए एकदम दानेदार हमारा ये बेसन हुआ है रेडी। चलिए अब ये ठंडा हो गया थोड़ा सा तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और प्लेट में भी इसको चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अब तो देखिए आपको ये पतला लग रहा होगा लेकिन ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। चलिए जब तक हमारा ये बेसन ठंडा हो रहा है हम ले लेते हैं एक पैन और उसमें हम लेंगे ये 2 चम्मच है ये खरबूजे के बीज। इनको हम थोड़ा सा इस तरीके से भून लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं इनको। गैस की फ्लेम कम करके बिल्कुल भूनेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे ये भून करके तैयार हो गए हैं और ये देखिए भून करके कितने मोटे हो गए हैं ये। चलिए अब इन्हें भी ठंडा कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स ये मैंने ठंडा कर लिया है और ठंडा होने के बाद में देखिए ये इस तरीके से हो गया है। बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए जब आप इसमें मीठा मिलाएंगे। तो हमने इसमें मीठा नहीं डाला था। मीठा क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से जब ये ठंडा हो जाएगा ये देखिए तब हमें इसमें मीठा मिलाना है। आप इसमें चीनी या बूरा कुछ भी मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बूरा डालूँगी। तो आप यहाँ पे किसी भी चीनी भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा मीठा ज़्यादा डाल दिया है। इसी के साथ जो हमने खरबूजे के बीज भून के रखे हुए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा बिल्कुल फ्लेवर आएगा। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठंडे में हमें इसलिए मिक्स करना है, अगर हम इसे गर्मा गर्म में मिक्स करेंगे तो ये चीनी भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए वो एकदम बेसन पतला हो जाएगा और लड्डू इसके बन करके तैयार नहीं होंगे। तो ये लीजिएगा इसी तरीके से हमें ठंडा करके ही मिक्स करना है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जो इसमें ये गुठलियाँ हैं इसको भी अच्छी तरीके से तोड़ देते हैं। चलिए मैं हाथों से इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसमें आप हरी इलायची डालना चाहें तो वो भी इसके अंदर इस वक्त भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें अभी कोई फ्लेवर नहीं दिया है। इस तरीके से जो नहीं टूट रहा उसे को निकाल दीजिएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे तरीके से इसको मीठे को मिक्स कर लिया है। ये देखिए और एकदम साइन वाले हमारे ये लड्डू बनकर के तैयार होंगे। बस इस तरीके से अब थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे बेसन को और इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एकदम साइन वाले हमारे लड्डू बनकर के तैयार होंगे। देखिए घी देखिए जब हम इसे बना रहे हैं तो ये कितने साइन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें बना करके तैयार कर लेना है। ये देखिए अब दोनों हाथों में इस तरीके से बेसन का इस तरीके से लेंगे ये बैटर और इस तरीके से दोनों हाथों से बना करके फटाफट तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए एकदम साइन वाले हमारे बेसन के लड्डू हो जाएंगे बन करके तैयार। ये देखिए कितने साइन आ रही है ना। ये देखिए इसी तरीके से मैं सभी को बना लेती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स 1 कप बेसन से हमारे ये 15-16 लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। देखिए मैंने कोई ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखा है, छोटे बनाए हैं। आप अपने हिसाब से छोटा करके बना सकते हैं या बड़ा करके बना सकते हैं। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ खरबूजे के बीज से, ये और भी बढ़िया लगेंगे। इस तरीके से गैस पे बीज रख देती हूँ ये खरबूजे के और एक एक हरी इलायची का दाना, इससे देखने में और भी खूबसूरत लगेंगे। तरीके से ये देखिए इस तरीके से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। या आपके पास पिस्ता हो, बादाम हो, काजू हो,
वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं बनाते समय भी ऐसे गार्निश के लिए। इस तरीके से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए मैंने सभी को इसी तरीके से गार्निश कर देती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए सभी को गार्निश कर दिया है। और देखिए ये देखने में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, है ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। और हमने ये देसी घी में बनाए हैं तो और भी ज़्यादा यम्मी है। आप इस तरीके से घर में कभी भी बना कर करके इनको इंजॉय कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाते हैं। चलिए अभी इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक प्लेट। और आप इनके ऊपर बूरा या चीनी किसी भी वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी। ये देखिए, हम जब घर पे बनाते हैं कोई भी मिठाई तो हमें पता होता है कि हम क्या चीज़ इसमें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मार्केट की चीज़ें होती हैं उसमें हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि वे कैसे बना रहे हैं और किस तरीके से ये बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं। तो इसलिए आप अगर ईजी है तो आप घर में से बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बना करके आप रख लीजिए और आराम से इसे स्टोर करके खाइएगा। ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं और देखने में बिल्कुल एकदम यम्मी और फटाफट बन गए हैं। कभी भी जब फ्री हो तो आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। कुछ मेरे पास है रोज़ पेटल, मतलब गुलाब की पत्तियां, जिनको मैंने सुखा करके रखा हुआ है। और देखने में भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। जब आप इस तरीके से इसे मेहमानों के सामने भी रख देंगे तो वो सच में यकीन मानिए उन्हें भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाए हैं। तो ये देखिए देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे तो बेसन के लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितने टेस्ट बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट दानेदार हमारे ये लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। और देखिए इनका दाना कितना है इसमें कनक। ये देखिए बस इसी तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।